क्या हाल है बच्चों जल्दी से बताइए सुन पा रहे हो मुझे तो क्यू आर सीरीज 2024 के लिए है ये लेक्चर नंबर टू आप जानते हो इसमें हम कल की जो मैंने सेशन लिया था हमने जो कुछ ऐसे जंतु जो पिछले साल भर में समाचारों में चर्चा में रहे उन पे बात कर रहे थे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ूंगा आगे बढ़ने से पहले आप चैनल वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हैप्पी वैली एकेडमी में आप सभी का स्वागत है इसी नाम से हमारी ऐप भी है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो ये सारे फीचर्स आपको ऐप पे मिल जाएंगे हमारे पेड कोर्सेज भी वहीं मिलेंगे ये विजेता सीरीज है बच्चा हैप्पी वैली अकेडमी वॉरियर्स पे चल रही है तो जो बच्चे नए हैं मुझे पहली बार जानते हैं देख रहे हैं तो मैं बता दूं मेरा नाम है नवीन तंवर नाम तो सुना ही होगा बच्चा हमारे दो चैनल है यूट्यूब के एक है हैप्पी वैली अकेडमी हैप्पी वैली अकेडमी राइज जिसपे अभी आप पढ़ रहे हो ठीक है बच्चा जिसपे ये अभी क्यू आर सीरीज चल रही है सेकेंड हमारा चैनल है हैप्पी वैली अकेडमी वॉरियर्स दूसरा चैनल है ये यूट्यूब चैनल है ये दोनों हमारे यूट्यूब चैनल है ये दोनों हमारे यूट्यूब चैनल है दोनों यूट्यूब हमारी टीम है तो वॉरियर्स पे विजेता सीरीज चल रही है और अभी राइज पे अभी ये मेरी क्यू सीरीज चल रही है चंचल सर की क्लास चल रही है पांचाल सर की क्लास चल रही है और त्रिवेदी सर की क्लास चल रही है हमारी यहाँ पे तो 2025, 26, 27 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 50% का ऑफ आपको मिल रहा है छः मई से हमारा कोर्स आप देख सकते हैं पहले पाँच सौ बच्चों को फाइव फिफ्टी परसेंट का हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल करके एडमिशन से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं कोर्स फीस अगर आप देखना चाहते हैं तो जनरल स्टडीज़ की जो फीस है वो तेरह हजार में मिल जाएगा साल भर का दो साल का तेईस हज़ार साल का बत्तीस अगर बारह महीने की ऑप्शनल की फीस ले रहे हो तो दस है और ऑप्शनल और जीएस दोनों लेना है तो एक साल दो साल तीन साल तो पहले 500 बच्चों के लिए 50% परसेंट हमने ऑफर दिया है ठीक है गाइस और दो ऑप्शनल रहेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल हिंदी मीडियम दो हजार पच्चीस छब्बीस सत्ताईस के लिए और सेकंड है हिस्ट्री ऑप्शनल हिंदी मीडियम के लिए चंचल सर कराएंगे दो हजार पच्चीस छब्बीस और 27 तो कैसे आप सभी लोग जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए बच्चा ओके कल की पीडीएफ बच्चा मैंने ऐप पे डाल दी है आप वहां से ले सकते हैं आगे बढ़ने से पहले एक बार ये ये जो आ गई मैं अभी मैंने एक सेशन लिया है फिर वापस से बता देता हूं 2023 का ये कट ऑफ है बच्चा 2023 का कट ऑफ आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी का जीएस प्रलिम्स में पिछहत्तर नंबर चाहिए थे ईडब्ल्यू को अड़सठ ओबीसी को चौहत्तर और एस सी को 59, नाइन एस को 47 मार्क्स इतने ही नंबर चाहिए थे आपको सी सेट ओ यूपीएससी पी क्वालिफाई करने के लिए जी का है बच्चा है ना जनरल स्टडीज सी सेट आप जानते ही वो क्वालिफाई नेचर का है और ये मेंस का कट ऑफ रहा है ओके okay? आगे तक और ये फाइनल कट ऑफ रहा है ठीक है तो ये इस तरह की हमारी कुछ कहानी रही है तो कुल मिला अगर मैं बात कहूँ जिस भी बच्चे के थर्टी एट क्वेश्चन ठीक थे जनरल कैटेगरी में उस बच्चे का सिलेक्शन था ठीक है मतलब के लिखने के लिए वो क्वालिफाई कर जाता अब आप इसी के अकॉर्डिंग आप देख लेना आपका परफॉर्मेंस क्या था बहुत सारे बोल रहे होंगे उस टाइम पे हमारे तो पचास क्वेश्चन ठीक है पचास क्वेश्चन ठीक थे तो क्यों नहीं आया या तो आपने सही इवेल्युशन नहीं किया या दूसरा आपका सी सेट में गड्डी अटक गई ठीक है चले क्या करे तो फिर अभी शुरू करें आज के सेशन को चलते बच्चा आगे का हम शुरुआत करते हैं दिस इज मिथुन है ना ये मिथुन है मिथुन ठीक है इसका पूरा नाम है मिथुन पता नहीं स्लाइड में क्या हो जाता है एक नाम कट जा रहा है लास्ट वाला का दिक्कत है तो द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना जिसको भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जिसको हम कहते हैं ये जो भैंसा है जिसको आम भाषा में बोलेंगे तो क्या है भैंसा है ना जंगली भैंसा हुआ एक तरीके से तो फसाई ने इसको औपचारिक रूप से खाद्य पशु के रूप में बोला कि आप इसको खाद्य पदार्थ के रूप में यानी कि एडिबल एनिमल के रूप में इसको क्या कर दिया बच्चा है ना स्वीकार कर लिया है कि आप इसको खा सकते हो और इसका वाणिज्यिक मांस उत्पादन इससे अब संभव हो जाएगा ये इसको हम बोलते हैं मिथुन आपने देखा होगा अब आप बोलोगे सर जी इनको कौन खाता होगा जो नॉन वेजिटेरियन डाइट के शौकीन है तो उन लोगों के लिए इसको ओपन कर दिया गया आप चाहे तो इसको परमिशन दे दी गई है एडिबल है मतलब खा सकते हो इंसानी शरीर को जो भी उन्होंने स्टडी की होगी कि उनका मानना होगा उतना नुकसान नहीं है तो इसको खा सकते हैं ठीक, है। ठीक है ठीक है ओके तो नेक्स्ट इसमें क्या है ये बेसिकली क्या है ये अर्ध मतलब सेमी डोमेस्टिकेटेड है अर्ध पालतू है बोवाइन है मतलब गाय प्रजाति से जुड़ा हुआ है उसी से इसका जेनेटिक रिलेशनशिप है या लेकिन इसमें कुछ विशेषताएं हैं जिसकी वजह से बाकीयों से थोड़ा सा अलग है कहा मिलता है नॉर्थ ईस्ट के हिली रीजन में मिलता है इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में मिलता है उसके साथ ये बांग्लादेश में म्यांमार में और चाइना के कुछ हिस्सों में भी ये फैला हुआ है मिथुन और इसको परमिशन दे दी गई है किसके लिए बच्चा एडिबल मीट के रूप में इसको परमिशन है लेकिन कहते हैं ये मिथुन का नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है वहां पे इसका कल्चरल और सोशल सिग्निफिकेंस भी है इसका कल्चरल सोशल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है उसके साथ ये दो हमारे राज्य है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश उन्होंने इसको स्टेट एनिमल भी घोषित किया हुआ है और स्टेट एनिमल घोषित करने का मतलब इसका अपने आप में इन स्टेट्स में काफी अच्छा इसका सिग्निफिकेंस है तो सांस्कृतिक महत्व है इसका जिसके चलते इसको वहां स्टेट एनिमल भी घोषित किया गया है ओके चले समझ में आया मिथुन मिथुन से आगे चलते हैं तो ऐसा मतलब पिछले साल भी पिछले साल भी एफ के द्वारा एक और हिमालयी पशु है जिसको आप बोलते हो याक याक का नाम सुना होगा बचपन में वाई फॉर जैसे सुनाते थे ना ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल ऐसे सुनाते थे ना बी फॉर बैट जब वाई आता था तो वाई फॉर याक सुनाते थे बड़े बड़े से बाल वाला एक पशु होता है हिमालयन क्षेत्र में मिलता है तो जो ये याक है इसको खाद्य पशु घोषित किया गया था पिछले साल याक को घोषित किया था इस बार मिथुन को घोषित किया गया है तो जो भारत में जो स्वदेशी पशु संसाधनों की स्वीकार्यता और खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में इनका योगदान दर्शाता है कि कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी आएगी है ना लोग बाग इसको खाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं उस टाइप से इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है तो मिथुन को याद रखना अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ने स्टेट एनिमल घोषित किया है लास्ट ईयर याक को घोषित किया गया था अब सुन लो बच्चा यूपीएससी यहां आपके साथ कैसे खेल सकता है यूपीएससी बोलेगा कंसीडर दी फॉलोइंग उसमें बोलेगा इनमें से कौन सा एडिबल एनिमल है कौन सा एडिबल एनिमल है ऐसा एनिमल जिसको खाया जा सकता है उसमें से फिर वो ऑप्शन देना शुरू कर देगा वो वो बोलेगा वन याक लिख देगा आपको लगेगा अच्छा याक कौन खाएगा टू लिख देगा वो मिथुन लिख देगा ठीक है उसके बाद थ्री लिख देगा वो डियर या कुछ भी बियर कुछ भी ऐसा नाम लिख सकता है आपको लगेगा यार याक को कौन खाता होगा आप कट कर दोगे लेकिन इसको भी मान्यता दे दी गई मिथुन को आपको लगेगा मिथुन को कौन खाएगा इसको भी मान्यता दे दी गई इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वैसे तो नहीं पूछेगा यूपीएससी ऐसा लेकिन आएगा तो इस टाइप से परेशान कर सकता है ठीक नेक्स्ट चले यहां से आगे चलो उसके बाद है काई ज़ांगी ये व्हाट इज दिस बेसिकली ये कैम्ब्रियन एरा है था ना जो कैम्ब्रियन युग पता है आपको अगर आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा होगा हेडन आर्कियन प्री कैम्ब्रियन और उसके बाद कैम्ब्रियन ऑडोविशियन सिलूरियन डेवोनियन कार्बोनिफेरस पर्मियन ट्रियासिक जोरासिक क्रोटेशियस पैलियोसिन ऑलिगोसिन मायोसिन प्लायोसिन प्लेस्टोसिन तो ये पूरा हमारा अर्थ का जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में एक दौर है कौन सा कैम्ब्रियन विस्फोट है ना तो उस कैम्ब्रियन विस्फोट के दौरान है ना वहीं पे हमारा एक जीव क्या है बच्चा ये कायलिंग, जिग्या जांगी। ये चर्चा में क्यों रहा तो ये कह रहे थे कि ये जो जीव है आज से 50 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन काल के दौरान पृथ्वी पर निवास करता था जिसकी विशेषता है ना पशु जीवन का तेजी से प्रसार था ये क्या करा था रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ एनिमल लाइफ इसकी जो लंबाई थी पांच सेंटीमीटर के आसपास थी और इसका एक खंडित शरीर था और एक बेसिकली ये एक ऑर्थोपॉड कैटेगरी का था इसके बोला गया इसके सर पे तीन आंखें थी है ना तीन आंखें एक दो तीन तीन तरह की ये आंखें थी जो इसकी यूनिक इसका विजिबल मतलब चीजों को देखने के इसके पास विशेष क्षमता थी और ये कांटेदार पंजों की उपस्थिति से जैसे कांटे नहीं होते कान खजूरा टाइप देखा होगा तो ये संभवतः अपने प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र में से एक एक सक्रिय शिकारी जीव था जिसके बारे में अभी पता चला है यह है काए लिंग सिया जांगी तो अगर यूपीएससी पूछता है कि यह क्या है तो एक जीव है ऑर्थोपॉड कैटेगरी में तीन आंखें है पचास करोड़ साल पहले निवास करता था एक शाकाहारी शाकाहारी है या शिकारी है शिकारी था एक शिकारी जीव के रूप में ये था ठीक है नेक्स्ट चलते हैं तो इसके जो जीवाश्म है है ना ये इसके जो जीवाश्म है उसकी अगर स्टडी करते हैं तो कहते हैं आज के जो आर्थोपोड्स है उन जीव और उनके वंश को स्टडी करने में ये हेल्प करेगा तो ये रिकॉर्ड कहाँ पे मिले हैं ये चीन में चैंग जियांग बायोटा के समृद्ध जीवाश्म रिकॉर्ड का ये हिस्सा है और ये कैम्ब्रियन काल के दौरान जो विस्फोट है और उस टाइम पे जो हमारी बायोडाइवर्सिटी थी उसके बारे में इससे हमें पता चलता है तो दिस इज सेकेंड वन फर्स्ट था मिथुन सेकेंड वन हो गया जांगी बच्चा एक चीज तो समझ में आ गई होगी आपको एक चीज आपको समझ में आ गई यूपीएससी प्रिलिम्स जितना टफ हो गया है तो कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग नीचे आ गई अगर जनरल कैटेगरी में अगर आप देखो जनरल कैटेगरी में ये बच्चा मतलब यहां आपकी जबरदस्त स्ट्रैटेजी बना सकते हो आप यहां पे सुनो ये जो कट ऑफ है ना मतलब ये चौंकाने वाली भी है इसके बहुत सारे निहितार्थ है अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा पिछहत्तर नंबर पे पीटी क्वालिफाई कर रहा है और एसटी कैटेगरी का बच्चा अड़तालीस नंबर अड़तालीस नंबर का मतलब सिर्फ चौबीस क्वेश्चन समझ गए चौबीस क्वेश्चन तो आप किन्हीं भी दो सब्जेक्ट से कर सकते हो आप ज्योग्राफी एनवायरमेंट पॉलिटी पकड़ लोगे तो चौबीस क्वेश्चन ठीक थी, ठीक कर लोगे इधर अगर अड़तीस क्वेश्चन है भी भी तीन चार, भी चार सब्जेक्ट को पकड़ के धुंदोगे ना तो ये कट ऑफ आ जाएगी लेकिन इसका एक और मतलब भी है अगर ये कट ऑफ इतनी कम आई है तो दो, दो इसके कारण हैं पहला इस बार का पीटी अनडाउटेडली टफ था जिस तरह के ऑप्शन दिखाए थे मैंने कल मैंने ज्योग्राफी वाला पेपर भी एनालिसिस किया था जिस तरह के हमारे ऑप्शन थे उसने पेपर को थोड़ा टफ बना दिया था पहली चीज तो ये और सेकंड बात फिर से वही सी सेट एक समस्या रही होगी वो क्वालिफाई करने में बच्चों को तकलीफ हुई होगी ये दो ही वजह है पीटी टफ था और 2024 का भी टफ ही रहेगा यूपीएससी के इतिहास में याद रखना बच्चा यूपीएससी ने अपने इतिहास में कभी भी किसी भी साल के पेपर को पिछले साल की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हल्का नहीं बनाया तो जैसा पेपर 2023 में पूछा गया इतना तो सोच के चलना कि 2024 में लगभग ऐसा तो पूछा ही जाएगा इससे भी ज्यादा टफ हो सकता है तो संभल के रहना ठीक है हाँ इधर देखो ये तीस सिर्फ तीस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इधर आपको थर्टी एट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इधर थर्टी फाइव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इधर भी थर्टी एट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो छोटी छोटी चीजें बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको लगातार बोल रहा हूं यूपीएससी फैक्ट प्लस कंसेप्ट पे जा रहा है ये छोटी छोटी चीजें अपने दिमाग को तैयार रखो जितना फैक्ट अपने दिमाग में ला सकते हो तैयार करके रखना करंट अफेयर रिलेटेड चलो आ जाओ वापस आ जाते हैं फिर है आर्मा गेडोन रेडेटेल वॉट इज दिस आरमा गेडोन क्या है बच्चा ये तो इन्होंने ये बेसिकली केरल के अंदर जो वेस्टर्न घाट है वेस्टर्न घाट वहां पे इन्होंने डेम सेल फ्लाई की एक नई प्रजाति को खोजा है पुणे और एमआईटी के साइंटिस्ट ने जिसे क्या नाम दिया गया है आर में गेडन तो केरल के पश्चिमी घाट में इसको खोजा गया है इसको खोजने से क्या मिला भाई क्यों खोज रहे हो आप ऐसी क्या बात हो गई थी इसको खोजने के पीछे ये देख लो एक तरह से बच्चा ये एक कीट है ये कुछ ऐसा दिखता है ये वेस्टर्न घाट में इसको खोजा गया देख लो ये कैसा दिखता है ठीक है, ओके okay. तो विशेषता क्या है गहरे भूरे से काले रंग का शरीर है हरी नीली आंखें है आठ उधर खंड है पेट के अंदर इसको उसके साथ ही ये क्या है घने छत्र आवरण यानी कि डेंस फॉरेस्ट में डेंस फॉरेस्ट एरिया में ये मिलता है और नदियों के किनारों भी मिलता है तो ये इसकी विशिष्टता है तो ए, क्या इसका रोल है बच्चा ये कीट है अभी इस पेड़ पे बैठा है कभी उस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे तो पॉलिनेशन में ये हेल्प कर रहा है तो क्या कर रहा है पॉलिनेशन में योगदान देता है न्यूट्रिएंट के रिसाइकल में हेल्पफुल है पक्षियों और बड़ी मछली मतलब पक्षियों और मछलियों के लिए ये उनका एक फूड है और मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में कहा पे अगर किसी भी फ्रेश वाटर का आपका इकोसिस्टम है उसकी हेल्थ की ये एक अच्छा इंडिकेटर है नाम क्या है इसका आर्म गेडन रिड टेल ओके तो इसका बेसिकली क्या है निवास स्थान का विनाश प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी संख्या घट रही है तो रेड टेल आर्म गेडन का मतलब क्या है देखो हमने देखा किसी भी इकोसिस्टम की हेल्थ का इंडिकेटर है अगर वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है क्योंकि ये आर्म गेडन रेड टेल है बहुत सारी मछलियां और बहुत सारे पक्षी इसको अपना फूड बनाते हैं अगर इसको अपना फूड बनाएंगे और इसकी संख्या तेजी से घटेगी तो इसका मतलब बहुत सारी मछलियां और बहुत सारे पक्षियों के लिए क्या होगा फूड का क्राइसिस होगा तो इसका इंपैक्ट उन पे भी आएगा तो ये किसी भी इकोसिस्टम की अच्छी हेल्थ को इंडिकेट करता है अगर ज्यादा संख्या में आर्म गेडन रेड टेल है इट मीन्स वहां पर एक हेल्दी इकोसिस्टम है बात आई समझ में ठीक है। बच्चे कह रहे हैं बचपन में इसका पंख बंद कर लेते थे आप चलो बढ़िया है नेक्स्ट तो ये खोज है एक तरह से जैव विविधता की सुरक्षा के संरक्षण प्रयासों की ओर इंडिकेट कर रहा है कि आप इसको बचाइए और आर्मागेडन रेड टेल पर आगे के अगर शोध होंगे इसके वितरण व्यवहार और संभावित खतरों के बारे में जानकारी देगा तो तीसरा जीव हमारा क्या हो गया आर्म गेडन। आर्म गेडन क्या टेल। थोड़ा डिफरेंट सा नाम है ये तो वैसे हमने गांव में भी देखा है ना ये गांव में पानी के जो झोड़ है तालाब है उधर मिलता है लेकिन ये वाला जो खोजा गया ये वेस्टर्न घाट से खोजा गया तो हो सकता है इसी के भाई बंधु हमने देखे हो अपने क्षेत्र में नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद आया बच्चा वॉकिंग लीव्स आप जरा इन पत्तियों को देखना बच्चा इसको देखो ये पत्ती है इस पत्ती के ऊपर ये एक कीड़ा है और ये कीड़ा बिल्कुल कैसा है बच्चा पत्ती के जैसा ही है देखो इसको इसको देखो एक बार इसको देखो एक बार दिखाइए आपको ये दिस इज है बच्चा दिस इज वॉकिंग लीव्स है बच्चा ये वॉकिंग लीव्स है तो ये चलने वाली पत्ती है वैसे ये पत्ती नहीं है बेसिकली तो ये कीट है लेकिन बिल्कुल दिखता कैसे है जैसे बिल्कुल पत्ती जैसा हो तो देखो इसका कितना जबरदस्त एडप्टेशन है बिल्कुल पत्ती के जैसा हो गया इससे इसकी रक्षा भी हो जाएगी बढ़िया है शिकारियों से बच जाएगा अपनी जान बचा लेगा तो क्या है वैज्ञानिक लगातार चलने वाले पत्तों की नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं जो छलावरण छलावरण समझ गए ना ये पत्ता है नहीं बेसिकली कीट है लेकिन दिख पत्ते जैसा रहा है जो अत्यधिक कुशल है अक्सर फोटो और वीडियो में अपने पत्ते जैसी उपस्थिति के कारण दर्शकों को ये काफी मंत्र कर रहा है जैसे अभी आप में से भी कुछ बोल रहे होंगे अरे वाह कितना अच्छा है कितना अच्छा है ये दिस इज वॉकिंग लीव्स बच्चा है ना नेचर की खूबसूरती देखो वॉकिंग लीव्स है बच्चा तो पत्तियों के साथ इन कीड़ों की उल्लेखनीय समानता शिकारियों के खिलाफ एक रक्षा तंत्र देती है पहले से न सोचा गया शिकार हमला करने में सहायता करती है मतलब तो आप प्लान करके इसको टारगेट नहीं कर सकते इसको मार नहीं सकते उसके कुछ चलने वाली पत्ती प्रजातियों को निवास स्थान का नुकसान और अनियमित संग्रह जैसे खतरों का सामना करना पड़ रहा है इनके भी सुरक्षात्मक उपायों की बात करता है अब इसको देख के आपको लगता होगा मिल जाए पकड़ ले और दूसरा इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है वनों की कटाई हो रही है तो इनके अस्तित्व पे भी संकट है इस टाइप की यह बात है तो चलने वाले पत्तियों में चपटा शरीर असाधारण छलावरण होता है तो ये एक बेहतरीन इनको क्या एक सुरक्षा मिल जाती है आप यही सोचो ना कि पहले बहुत सारी मूवीज देखते थे हम बहुत सारी चीजें देखते थे कि कोई चीज जैसे बचने के लिए कैसा भी रूप धारण कर ले तो पत्तों पे ये बचना चाहता है बाकी कीट से तो इसने पत्ते जैसा शेप रंग सब कुछ वैसा ही ले लिया तो ये प्राकृतिक सीमा कहा है हिंद महासागर के दीपों से लेके साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए पापुआ न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया तक मिलता है ये दीज आर वॉकिंग लीव्स वॉकिंग लीव्स हो गया मिथुन हो गया आर्मा गेडेन रीड टेल हो गया और वो जो चाइना में मिला था हमें वो कैम्ब्रियन काल का पचास करोड़ साल पहले का एक जीवाश्म जो ऑर्थोपॉर्ड्स के डेवलपमेंट या किस तरह से विकास हुआ होगा आज की जनरेशन को समझने में वो हेल्प कर रहा है ठीक है आगे चले बच्चा आगे चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास तो अब इसमें कह रहा है अब इसमें देखो कि आमतौर पर जो ये वॉकिंग लीव्स होती है इसमें मेल और फीमेल दोनों है रहे जो मेल मादाओं की तुलना में छोटे होते हैं छोटी उड़ान के लिए उनके पंख हो सकते हैं मतलब तो थोड़ा बहुत ये उड़ भी सकते हैं इस पेड़ की पत्ती से दूसरी पेड़ की पत्ती पे जाकर चिपक जाएंगे क्या बात है यार कुछ चलने वाली पत्तियों की प्रजातियां पत्तियों पर शिराव उनकी जैसे कोई पत्ती है अभी सुनो बच्चा ये क्या कह रहा है जैसे ये नेचुरल लीव्स है बच्चा इस नेचुरल लीव्स की ये बहुत सारी वेन्स है और यहाँ पे कुछ डिस्टॉर्शन होगा तो ये क्या करते हैं इनकी जो वेन्स है या यहां पे पत्तियों में थोड़ा बहुत भी सपोज करो कुछ खराब वराब हो गया और ये उसके ऊपर अगर बैठा है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कोई कीट बैठा है या पत्ती है ये तो मैंने कितना बड़ा जूम करके आपको दिखाया है तो आपको ये दिख रहा है अदरवाइज नेक्ड आई से आप इसको इतनी आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आपने ऐसी पत्तियां छू रहे हो है ना इसने आपको डंक मारा अरे पत्ती भी काटता है क्या कैसा पत्ती है भाई ये बड़ा काटता है ये तो उस टाइप से है ये तो ये इजिली भेष बदलकर रह सकते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है सेंगाई है ये सेंगाई बेसिकली एक डियर है हिरण की एक प्रजाति है यूपीएससी ने इस पे बच्चा बहुत क्वेश्चन पूछे हैं मतलब तीन चार साल लगातार क्वेश्चन थ्री टू फोर इयर्स तक लगातार क्वेश्चन पूछे यूपीएससी ने संगाई इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं ये डांस करता है डांस करने वाले मेंढक है डांस करने वाले पक्षी है डांस करने वाले हिरण है तो डांस इसका मतलब हाँ अजीब टाइप का है ना ये आ जाओ बच्चा तो ये संगाई का क्यों आया देखो इसका जो निवास स्थान है ना कैबुल जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है उसका जो बायोमास है उस पर रहता है ये अब सरकार क्या कर रही है उस क्षेत्र में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लेके आना चाहती है तो मणिपुर सरकार का कहना है कि अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट आ गया तो इसके नेचुरल हैबिटेट को लॉस हो सकता है इसको सर्वाइवल में चिंताएं पैदा हो सकती है इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने अपने कंसर्न भेजे है तो हम जानेंगे संगाई कहां है कैसे मिलता है इसकी विशेषता क्या है इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है सारी इसकी कहानियों के बारे में जानेंगे तो मणिपुर गवर्नमेंट ने संगाई हिरण को संभावित नुकसान और झील की जैव विविधता में व्यवधान का हवाला देते हुए लोकटक झील के लिए प्रस्तावित जल विद्युत आधुनिकरण परियोजना के संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसर्न भेजा है कि भैया लोकटक लेक है ना मणिपुर की और वहां पे लेम जाओ नेशनल पार्क भी है फ्लोटिंग नेशनल पार्क इंडिया का तैरता हुआ उद्यान है तो वहां पे कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है उसके मॉडर्नाइजेशन को लेके कंसर्न बोला है अपना कंसर्न व्यक्त किया है और बोला है कि यार इसको देखो है ना इसको बेचारे को नुकसान हो जाएगा इसको नुकसान हो सकता है तो ये देख लो ऐसा दिखता है ये आपका दिस इज संगाई संगाई है बच्चा ये दिस इज संगाई हो सकता है ये क्वेश्चन में आ जाए इस बार जैसे यूपीएससी ने पूछा था ना मालाबार सीवट था मालाबार सीव लॉय टेल्ड मकाऊ तो जैसे वेस्टर्न घाट के अंदर लॉय टेल्ड मकाऊ का सिग्निफिकेंस है वैसे ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है लॉकटक है केबुल लेम जाओ है वहां इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है तो इस पे आ सकता है किधर मिलता है नॉर्थ ईस्ट में मिलता है ये ठीक है याद रहेगा बोलो ठीक है हाँ एनिमल भी डांस करते हैं बच्चा तो संगाई हिरन जिसको डांसिंग डियर भी कहते हैं डांसिंग डियर भी कहते हैं सिर्फ मणिपुर राज्य के लिए स्थानिक है। सिर्फ वहीं मिलता है ओके मणिपुर स्टेट के लिए स्थानिक है और यहाँ लोकटक जो लेक है उसमें स्थित है कैबुल जाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क उसके बायोमास पे ये मिलता है दुनिया में इसकी बहुत कम संख्या बची है और ऐसे में अगर उस क्षेत्र में आप क्या एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लेके आते हो तो इसके हैबिटेट लॉस और इसकी वलनरेबिलिटी बढ़ जाएगी तो आयु की रेड लिस्ट के अंदर बच्चा ये लुप्त प्राय है एंडेंजर्ड है ओके और इसका जो पॉपुलेशन है ढाई सौ से भी कम इसके जो मेच्योर इंडिविजुअल बचे हैं तो क्रिटिकल प्रायोरिटी है ये समाप्त हो जाए सिर्फ ढाई सौ के आसपास ही बचे है बच्चा फ्यूअर देन ढाई सौ क्या होता है ढाई सौ कुछ भी नहीं मतलब अगर कोई मेजर थ्रेट आ गया ये सारे के सारे विलुप्त हो जाएंगे आप बोलोगे नहीं जी हमने तो इनके हम तो इनका भी वो बना देंगे जैसे वो वाइट राइनो का किया था ना हम तो इनका टेस्ट ट्यूब बेबीज बना देंगे अरे टेस्ट ट्यूब बेबीज बना के क्या करोगे ये ओरिजिनल है सी को ही बचा लो तो काफी कंसर्निंग पॉइंट है तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है सिर्फ मणिपुर में मिलता है डांसिंग डियर कहते हैं कैबुल एमजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क के बायोमास में मिलता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के स्केड्यूल वन के अंदर है इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए हमारा इसके साथ काफी अच्छा कल्चरल सिग्निफिकेंस है और मणिपुर स्टेट का है ना मणिपुर स्टेट का स्टेट एनिमल भी है अभी मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था आप मुझे बताइए एक मैंने जीव की बात की थी मिथुन मिथुन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है जरा देखते हैं स्टेट एनिमल किन किन राज्यों का ये स्टेट एनिमल है बताओ मिथुन जो मैंने आपको बताया था किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है बोलो देखते कितने बच्चों को पता है है ना कितने बच्चों को पता है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ओके ठीक है, दैट्स ग्रेट चल फिर इसको खतरा क्या है बच्चा इसको खतरा क्या है तो खतरा देखो किसी भी वाइल्ड लाइफ को खतरा क्या है मेरे से पूछ लो कुछ भी ना आए तीन खतरे तो सबसे बड़े खतरे हमेशा ही रहेंगे आंख बंद करके लिख देना इंडिया के किसी भी वाइल्ड लाइफ को खतरा पहला हैबिटेट लॉस निवास स्थान की हानि निवास हानि पहला खतरा ठीक है उसके बाद डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन तीसरा खतरा है उसका हंटिंग इलीगल हंटिंग इलीगल illegal hunting ये तीन मेजर थ्रेट तो कभी भी लिख देना ये नंबर 1 पे डालना ये नंबर 2 पे डालना ये नंबर 3 पे आंख बंद करके इंडिया के किसी भी वाइल्ड लाइफ को कोई खतरा पूछ ले पहला निवास स्थान का नुकसान दूसरा illegal hunting डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़े खतरे हैं तो इसके मामले में भी इनमें से एक आधा खतरा तो पक्का है निवास स्थान का खतरा तो सबको ही है ये देखो निवास स्थान का खतरा अवैध शिकार और एक नया खतरा आ गया हाँ अब एक नया खतरा हमें देखने को मिलता है दैट इज एलियन एलियन मतलब आपने उस इकोसिस्टम में सपोज करो ये इकोसिस्टम था इधर कोई जीव रह रहे थे एक्स वाई जेड बड़े प्यार से रह रहे थे ए बी सी सब रह रहे थे आपने यहां से कोई बाहर कोई की कोई आबादी लेके आ गए कौन सी आबादी लेके आ गए यहां पे आप डब्ल्यू एक आबादी लेके आ गए जो इस क्षेत्र की है नहीं लेकिन काफी आक्रामक है काफी तेजी से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाती है अडेप्टेशन अद्भुत है तो इन दिनों हमारे बायोडाइवर्सिटी लॉस के सामने एक बड़ा खतरा इन्वेसिव स्पीसीज का ही है आक्रामक प्रजातियां किसी इकोसिस्टम में अगर आ गई जैसे लेंटाना कैमरा है ब्लैक रैट है वाटर हयासिंथ है अगर किसी भी इकोसिस्टम में आएंगे अपनी क्या कर लेंगे बच्चा अपनी ही, ही जो क्या है पॉपुलेशन को तेजी से बढ़ाने लगेंगे तो यहां भी यही है अवैध शिकार और आक्रामक खरपतवारों के अतिक्रमण सहित विभिन्न खतरों का यह सामना करता है तो यह महत्वपूर्ण जोखिम हो गया है संगाई के सामने संगाई के सामने ठीक है बताइए लाइक लेंटाना कैमरा चलो तो ये इंपॉर्टेंट जीव है बच्चा इसके बारे में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आधुनिकरण योजना पर मणिपुर सरकार की आपत्ति संघाई हिरण के संरक्षण प्रयासों के लिए उसकी प्राथमिकता को बता रही है और क्यों हमें इस इस स्पीसीज को बचाना जरूरी है ये बच्चा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा यूपीएससी 2024 में ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेंगाई काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो इसको अच्छे से तैयार करके जाना इसका यूसीएन स्टेटस देख लिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देख लिया स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर देख लिया और कहा मिलता है यह भी देख लिया और एक और जो क्वेश्चन आ सकता है या तो कैबुल लेम जाओ पे क्वेश्चन आ जाएगा कैबुल लेम जाओ पे पूछ लेगा यूपीएससी कैबुल लेम जाओ ओके या आपका जो लोकटक लेक है लोकटक लेक है इसके बारे में पूछ लेगा कि ये लोकटक लेक है ये वेटलैंड है या नहीं इसके वेटलैंड स्टेटस की बात कर लेगा ये रामसर साइट में है या नहीं ऐसा आपसे कुछ पूछ लेगा क्या है उस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है तो वेटलैंड का स्टेटस लोकटेक को है या नहीं रामसर का स्टेटस है या नहीं कैबुलम जाओ क्या है हो सकता है संगाई बैकग्राउंड में रह जाए और संगाई के हैबिटेट पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले मतलब अगर स... कैबुल लेम पे क्वेश्चन है अगर लोकटक पे क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली यूपीएससी को रहेगा कि उसने संगाई पे ही क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि संगाई उधर ही रहता है ठीक है बोलिए अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर इसको दोनों का ही स्टेटस मिला हुआ है देखो मेरी कोशिश रहेगी बच्चा जितना डोमेन है जितना डोमेन है मैं उतना टच करने की कोशिश कर लूं एक बार मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम एनवायरमेंट इकोलॉजी जितना भी करंट अफेयर है ज्योग्राफी का एक बार हम टच करें ताकि हम थोड़ा तो कंफर्टेबल बने वो जो पिछहत्तर नंबर की कट ऑफ जा रही है अगर ज्योग्राफी एनवायरमेंट मैं तो पहले ये बोलता था तीस क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे साठ नंबर आ जाएंगे मैं तो और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो गया मेरे लिए तो और भी ज्यादा कंफर्टेबल डोमेन बन गया बच्चा यूपीएससी का जैसा कट ऑफ है ना यूपीएससी का जैसा कट ऑफ है मैं मैं तो तो अपने आप आप को और भी ज्यादा सेफ करके चल सकता हूं मैं तो कहता हूं कहता सुन लो खुद ही सोचो बच्चा अगर ज्योग्राफी एनवायरमेंट से पिछले साल ज्योग्राफी एनवायरमेंट मैपिंग में से सौ में से अड़तीस क्वेश्चन आए थे तो अड़तीस तो अड़तीस ठीक नहीं होने मैं ये सोच रहा था बच्चे पचास क्वेश्चन ठीक कर देंगे भैया मैं तो कह रहा हूं सौ so, में से एनवायरमेंट के और ज्योग्राफी के अगर आपने सिर्फ बीस क्वेश्चन भी ठीक कर दिए तो बीस क्वेश्चन का मतलब क्या है बीस दुनी चालीस फोर्टी मार्क्स ले आओ आप मेरे सब्जेक्ट में बस बाकी तीस पैंतीस नंबर लाने हैं लेके आओ इकोनॉमी से लेके आओ पॉलिटी से है ना लेके आओ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेके आओ हिस्ट्री से हिस्ट्री से अभी भी लेकिन मैं कहूंगा मेरा सब्जेक्ट फिफ्टी परसेंट था फिफ्टी परसेंट है और जैसा यूपीएससी का पैटर्न है ज्योग्राफी एनवायरमेंट फिफ्टी परसेंट रहेगा ऑलमोस्ट सिलेक्शन में ठीक है अब तो मैं यही कहूंगा सिर्फ बीस क्वेश्चन ठीक कर लो भैया ज्योग्राफी एनवायरमेंट और मैपिंग से और अगर मैं बीस क्वेश्चन के आसपास भी टच करा ले गया तो अच्छी बात है मैं क्यों बोलूँ मेरे उसमें से तीस करो मैं अपने आप को सेव करता हूं करने को कर लेना पैंतीस क्वेश्चन आएगी मैं तो कहता हूं सारे के सारे करो लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं टच होंगे कुछ गलत भी हो सकते हैं और अगर आपने बीस क्वेश्चन भी ठीक किए तो अभी को आपको सिर्फ कितना है चालीस नंबर आगे और चालीस लेके आने एक दो सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट तीन सब्जेक्ट चार सब्जेक्ट पांच सब्जेक्ट पकड़ो इन सबको करंट अफेयर वाले टीचर को पकड़ो पॉलिटी वालों को पकड़ो साइंस टेक वालों को पकड़ो इन सबको पकड़ के लेके आओ बोलो भैया कि आप हमें सिर्फ चालीस नंबर दिला दो है ना दो सब्जेक्ट फिफ्टी परसेंट बाकी के पांच सब्जेक्ट फिफ्टी परसेंट बस इतना काम कर लो इतना काम कर लो पांच सब्जेक्ट से बीस क्वेश्चन ठीक करने आपने पांच पांच भी मान के चल लो इकोनॉमी के हो सकते हैं सात आठ ठीक कर दो पॉलिटी के चार पांच ही ठीक कर देना कर लो बढ़िया ठीक है? है चलते हैं उसके बाद आया रेड फायर एंट भाई ये ये बड़ी डेंजरस छीटी है ये देख लो कैसी बिल्कुल रेड फायर है जहां काट लेगी ना वहीं हिला के रख देगी इसको बोलते सेलेनोक्सिस क्विटा पहली बार इसको यूरोप में देखा गया है बच्चा यूरोप में आ गई है पहले विशेष रूप से इटली के पास और भयंकर आक्रामक प्रकृति की है ये भयंकर आक्रामक प्रकृति है इसकी किसकी रेड फायर आंट के तो जहां भी चली जाती है है ना वहां के इकोसिस्टम को और इकोनॉमी को भयंकर तरीके से नुकसान पहुंचाती है इकोसिस्टम मतलब में इंट्रोड्यूस हो गई अब एक्सीडेंटली ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुंच गई मेक्सिको में पहुंच गई कैरेबियन में चीन में ऑस्ट्रेलिया सहित और अभी ये यूरोप में भी चली गई यूरोप से अगर ये एशिया में आ गई एशिया से अगर फिर ये भारत जैसे देशों में भी आ गई बहुत ही भयंकर स्पीसीज है ये आक्रामक व्यवहार है अपने सामने किसी को नहीं टिकने देती आज जैसे ही काटेगी है ना जैसे ही काटेगी भयंकर दर्द करेगी तो ये क्या रहा है दर्दनाथ डंग की विशेषता है मनुष्य और वाइल्ड लाइफ दोनों के सामने भयंकर खतरा है ये और ये एकदम से अपनी कॉलोनी बना लेती है ये रेड फायर एंट जो देसी चीटी की प्रजातियों और अन्य कीड़ों को तो वही नेस्त नाबूद कर देगी ये एक तरह की इनवेसिव स्पीसीज है भाई ये भी तो मैंने क्या बोला हमारे इको के सामने यूपीएससी तीसरा बड़ा खतरा लिखेगा वन टू अभी तीसरा बड़ा खतरा क्या हुआ पहला हुआ हैबिटेट लॉस चलो मान लिया सेकंड हुआ इीगल इीगल हंटिंग मतलब हंटिंग करो कोई दिक्कत नहीं लेकिन इलीगल नहीं होना चाहिए तीसरा सबसे बड़ा खतरा है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज आई ए एस जिसको मैं आई ए एस बोलता हूं इन्वेसिव एलियन स्पीसीज तीसरा बड़ा खतरा है जहां भी जाते हैं लोकल कॉम्युनिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये चीटी की प्रजाति जिस क्षेत्र में चली गई वहां की जो लोकल चीटी है उनको हटा देगी बोलेगी हटो रास्ता साफ करो हम आ गए हैं अभी अभी ये हमारा साम्राज्य होगा तो धीरे धीरे दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में फैलना शुरू कर दिया इसने भी काटती भी है पता है आपको ठीक है ओके okay, तो ये इन्वेसिव एलियन स्पीशीज भी ध्यान रख लेना तो देसी प्रजातियों को विस्थापित कर देती है लोकल बायोडाइवर्सिटी को क्या कर देगी बिल्कुल डिस्ट्रप्ट कर देगी वहां इम्बेलेंस पैदा कर देगी और कीड़ों का शिकार कर लेगी पारिस्थितिकी तंत्र को बाधा कर देगी फसलों और बिजली के उपकरणों को नुकसान पहुंचा देगी है ना आपके इलेक्ट्रिकल वायर है इलेक्ट्रिकल वायर सपोज करो आपने अपना फोन चार्जिंग पे लगाया आपने घर की इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनको भी नुकसान पहुंचा देती है डेंजरस है भाई ये तो आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है नए आक्रमण वाले क्षेत्रों में उनके प्रसार को प्रबंधित और नियंत्रित करने के लिए त्वरित और प्रभावी उपायों की जरूरत है देख रहे हो खतरनाक है बच्चा ये उसके बाद है मेगा तो डायनासोर के बारे में जैसे ही हमें पता चला देखो पहले तो हमें डायनासोर के बारे में पता नहीं चला था आज से 200 साल पहले हमें डायनासोर के जीवाश्म देखने को मिले डायनासोर के बारे में हमें पता चला कि हाँ पृथ्वी पर ऐसे भी जीव थे इतने बड़े विशाल का विशाल का जीव तो साल दो को डायनासोर के बारे में हमें जब से पता चला उनका वैज्ञानिक विवरण पता चला उसके दो है ना के रूप में मनाया गया है तो 200 साल हो गए जब हमें डायनासोर के बारे में पता चला था साइंटिफिक एविडेंसेस हमें मिल गए थे कि हाँ, आज दो आज 2024 है तो ये कह रहा है लगभग 1824 1824 के आसपास वैज्ञानिकों ने इस तरह के जीवाश्म के बारे में पता किया था कि हाँ पृथ्वी पर कोई इतने विशाल काय जीव भी मिलते थे एक समय में तो ये दो सौवीं वर्ष है अब यहां पे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है महत्वपूर्ण हो सकता है कि ये डायनासोर कब आए पृथ्वी पर कब मिलते थे क्यों इनका विनाश हुआ कैसे ये गायब हो गए इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है तो दो वर्षगांठ इसको मनाया गया तो मेगालोसोर है ये मेगालोसोर तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं डायनासोर अब डायनासोर के भी पचास तरह के डायनासोर होंगे तो सौर जैसे डायनासोर ये डायनासोर और भी बहुत सारे नाम है तो मेगालोस से मतलब होता है ना महान मतलब विशाल और का मतलब होता है छिपकली यानी कि एक बड़ी छिपकली हुई अगर नाम देखा जाए ना सौर का मतलब क्या है छिपकली अब उसमें डायना लगा दो कभी मेगालो लगा दो मेगालो का मतलब महान छिपकली तो मेगा एक बड़े थे डायनासोर के रूप में विकसित किए गए ये लगभग 16 से ये लगभग वही है सिक्सटीन पॉइंट सिक्स से सिक्सटीन पॉइंट वन करोड़ साल पहले जुरासिक काल के दौरान था ये तो मूल रूप से ऑक्सफोर्ड शायर इंग्लैंड में खोजा गया खोजा गया था ये मेगालोसोर्स तो दो सौ साल हो चुके बच्चा इसके हमने इस जीवाश्म के बारे में जब हमने पता लगाया उसके बाद क्या है ये इसकी देख लो इसकी लंबाई बीस से तीस फिट था मुख्य रूप से ये मांसाहारी था तो ये औपचारिक वैज्ञानिक विवरण और नामकरण से जीवाश्म मतलब जब ये आया तो देखो जैसे जुरासिक आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी अचानक से जब हमने वो मूवी देखी आई थी नाइनटीज के आसपास तो हमारे लिए बड़ा एक वाव टाइप का था अरे इस टाइप का जीव इस टाइप के जीव के ऊपर मूवी बना दी तो कह रहे जब जब इसके जीवाश्म के बारे में पता चला तो अपने आप में काफी रोमांचकारी खोज थी वो किया इस तरह के जीव हमारी इस पृथ्वी पर रह के गए हैं तो अपने आप में अद्भुत था यह तो के औपचारिक वैज्ञानिक विवरण और नामकरण ने जीवाश्म विज्ञान में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया डायनासोर के अध्ययन के आगे के शोध और खोज की नींव रखी थी इसमें ने ठीक है तो इस ऐतिहासिक खोज ने डायनासोर के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ाया था वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ाया था इसके बाद हमने खोजना शुरू किया कि चलो भैया ये तो डायनासोर है इसका मतलब पता नहीं कितने कितने सारे जीव गए होंगे इस पृथ्वी पर आके तो एक नया फील्ड ओपन कर दिया था मेगालोसोर की खोज ने तो ये उसी के ऊपर है बच्चा तो आज सिर्फ इतना ही इस क्लास का पीडीएफ आपको हैप्पी वैली एकेडमी डाउनलोड कर लेना इस ऐप को इस पे आपका पीडीएफ मिल जाएगा ये दो चैनल है हमारे हैप्पी वैली अकेडमी राइज और हैप्पी वैली अकेडमी वॉरियर्स इन दोनों चैनल्स पे भी आपको पीडीएफ मिलेंगे जो क्लासेस राइज पे हो रही है उसका पीडीएफ राइज पे मिलेगा जो वॉरियर पे हो रही है उसका वॉरियर पे मिलेगा और अगर आपको एक साथ पीडीएफ चाहिए तो हैप्पी वैली अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से वहां पर आपको मिल जाएगा कल एक और नए सेशन के साथ कुछ नए जीवों के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखना बाय टेक केयर